हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू क्लास सिक्स इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर टू. द नेम ऑफ द चैप्टर इज हामागुची सेव द विलेजर्स. मीन्स हामागुची सेज बचाता है द विलेजर्स गांव वालों को. हामागुची गांव वालों को बचाता है. In last video, I have taught you about the summary of the chapter and I have taught you 2 and 3 videos. In today, I will teach you from here. Then, okay students, open page number 14. चैप्टर नंबर सेकेंड. द सी हैड बिकम ए मेनेसिंग डार्क ग्रीन एंड वेरी रफ. द सी हैड बिकम समुद्र हो गया था ए मेनेसिंग बहुत ही डरावना डार्क ग्रीन हो गया था. डार्क काफ़ी ज़्यादा डरावना हरा हो गया था. एंड वेरी रफ और बहुत ही उग्र हो गया था. उग्र मतलब काफ़ी भयंकर. समुद्र जो है काफ़ी डरावना हरा हो गया था और उग्र हो गया था. द टाइड हैड चेंज ऑल ऑफ सडन. द टाइड में ज्वार हैड चेंज हो गया था. चेंज में बदल गया था ऑल ऑफ सडन अचानक. और उसका जो समुद्र का जो ज्वार था जो उसकी तरंगे थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी. अचानक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. Instead of waves rolling on the beach, the water was now running away from the beach. Instead का मतलब के बजाय. The waves rolling on the beach. Waves माने होता है तरंगे लहरें. Rolling means उछलना. On the beach किनारे पर वेबों का जो तरंगे जो थी किनारे पे उछलने की बजाय द वॉटर वॉज नाव रनिंग अवे फ्रॉम द बीच. द वॉटर वॉज रनिंग बहने लगा था अभी मैंने आगे फ्रॉम द बीच किनारे से. और पानी जो था समुद्र का वो किनारे से आगे आने लगा बहने लगा. जो समुद्र की लहरें थी लहरें किनारे के अंदर मर्राने के बजाय रोलिंग करने के बजाय समुद्र का पानी किनारे से आगे आने लगा. आगे आ रहा था. द विलेजर्स स्टॉप डांसिंग एंड रेन टूवर्ड्स द सी शोर टू सी मोर ऑफ द पिक्यूलर एंड स्ट्रेंज साइट. द विलेजर गांव वाले स्टॉप में रोक दिया डांसिंग में नाचना. गांव वालों ने नाचना बंद कर दिया. एंड रेन टूवर्ड द सी शोर एंड रेन दौड़े टूअर द सीसो समुद्र किनारे टू सी मोर ऑफ द पिक्यूलर एंड स्ट्रेंज साइड. टू सी देखने के लिए मोर पिक्यूलर एंड स्ट्रेंज विचित्र साइड में विचित्र दृश्य को देखने के लिए समुद्र किनारे पर दौड़े. गांव वाले क्या थे डांस कर रहे थे खुशियां मना रहे थे इन्जॉय कर रहे थे. गांव वाले ने नाचना बंद कर दिया और वो समुद्र पर जो विचित्र दृश्य हो रहा था उसको देखने के लिए समुद्र के किनारे दौड़े. None of them knew what this strange things meant. None of them. उनमें से कोई नहीं न्यू जानता था what this strange things. ये विचित्र चीज़ें meant में मतलब है. इस विचित्र चीज़ का इस विचित्र दृश्य का क्या मतलब है. उनमें से कोई भी ये नहीं जानता जो विचित्र घटना हो रही है ये दृश्य हो रहा है इसका मतलब क्या. But the old man on the mountain side had seen one such sight when he was a little boy. लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति on the mountain side, जो mountain side पर था दूसरी तरफ था mountain side, वो पर्वत के जो दूसरे किनारे पर था had seen देख चुका था one such sight ऐसा दृश्य when he was a little boy, जब वो छोटा लड़का था. बूढ़ा व्यक्ति जो अपने बालकोनी बैठा था पहाड़ी के दूसरे किनारे पर
वो इस दृश्य को देख चुका था जब वो एक छोटा बच्चा था। He knew what she would do. He knew में जानता था what the sea would do, कि अब समुद्र क्या करेगा। वो जानता था कि समुद्र अब क्या करेगा। There was no time to send a message to the village. There was no time, कोई समय नहीं था to send भेजने का ये message, कोई भी संदेश to the village, गांव वालों को। उसके पास गांव वालों को भेजने के संदेश भेजने के लिए अब समय नहीं था। ये गांव वाले जो समुद्र के किनारे पर पहुंच चुके थे, वो दृश्य देखने के लिए, जो विचित्र दृश्य समुद्र में हो रहा था, अब बूढ़े व्यक्ति के पास उनको संदेश भेजने के लिए समय नहीं था। नॉर टू रिंग द वेल इन द टेम्पल, और ना ही मंदिर में घंटी बजाने का समय था। एंड येट ही न्यू डैट द पीपल ऑन द सी शोर हैड टू बी वार्न्ड। एंड येट, फिर भी ही न्यू जानता था डैट द पीपल ऑन द सी शोर, वो जानता था कि जो लोग समुद्र के किनारे पर हैड टू बी वार्न्ड, उनको चेतावनी देनी चाहिए, चेतावनी देनी है। भाई उसके पास उनको कोई संदेश भेजने का ना तो समय था, उनके पास समय नहीं था बूढ़े के पास, और ना ही मंदिर में घंटी बजाने का समय था। बट वह जानता था कि समुद्र में जो लोग हैं उनको चेतावनी देना ज़रूरी है। अगर उनको चेतावनी नहीं दी गई तो वो समुद्र के जो तरंगे हैं, बाढ़ है, उसमें बह जाएंगे। योन ही कॉल्ड हिज ग्रैंडसन लाइट द टॉर्च क्विक। योन बूढ़े का, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका पोता है, वो कहता है योन, पोते का नाम है योन, ही कॉल्ड हिज ग्रैंडसन, योन कहकर उसने अपने पोते को बुलाया और कहा लाइट ए टॉर्च, एक मसाल जलाओ क्विक में, तेजी से, जल्दी एक मसाल जलाओ। द यंग बॉय वॉज पजल्ड बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चन। द यंग बॉय, छोटा लड़का, वॉज पजल्ड, मतलब आश्चर्यचकित हुआ, थोड़ा सोच में पड़ा, बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चन, लेकिन उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ही लिट द टॉर्च एट वंस, उसने तुरंत टॉर्च जलाई। द ओल्ड मैन रेन टू द फील्ड वेयर हंड्रेड्स ऑफ राइस सैग वर स्टक। दी ओल्ड मैन रेन, दौड़ा टू द फील्ड, खेत में, वेयर में, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ राइस सैग, चावलों के बोरे, हंड्रेड्स ऑफ राइस सैग मैंने सैकड़ों चावलों के बोरे वर सैक रखे हुए थे, मतलब स्टॉक बना हुआ था। बूढ़ा व्यक्ति तेजी से अपने फील्ड में, खेत में दौड़ा, जहाँ खेत में चावलों के सैकड़ों बोरे स्टॉक रखे थे। ही रेन फ्रॉम वन सैक टू अनदर, वन सैक टू अनदर अप्लाइंग द टॉर्च टू ईच। ही रेन में दौड़ा फ्रॉम वन सैक टू अनदर, एक सैक से दूसरे सैक में, मतलब एक बोरे से दूसरे बोरे की तरफ दौड़ा। अप्लाइंग द टॉर्च टू ईच, अप्लाइंग जलाते हुए, अप्लाइंग लगाते हुए द टॉर्च, मसाल लगाते हुए टू ईच, प्रत्येक। बूढ़े व्यक्ति ने क्या करा, एक सैक से दूसरे सैक, सैक मतलब बता सकते हैं जैसे सैक तो बोरा होता है, एक सैक होता है जहाँ अनाज का, जैसे बोल सकते हैं भूसे का बोंगा बनाते हैं, ऐसे एक अनाज का बोंगा बनाया जाता है, उसको हम सैक बोलते हैं, जो किसी घास फूस से जो अनाज इकट्ठा करते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रीनरी, खाद्यान्न। तो उस खाद्यान्न में, उस अनाज के ढेर में, एक ढेर से दूसरे ढेर में वो आग लगा, उसने आग लगाते हुए बूढ़े व्यक्ति दौड़ा। डेड द ड्राई सैक कॉट द फायर क्विकली, सून द फ्लेम्स वर शूटिंग अवार्ड्स एंड स्मोक वॉज राइजिंग इन ग्रेट कॉलम्स टू ज्वाइन द क्लाउड्स इन द स्काई। द ड्राई सैक्स में, सूखे जो अनाज के ढेर थे, कॉल्ड फायर, उन्हें आग पकड़ ली क्विकली में, जल्दी, जो अनाज के सूखे हुए ढेर थे उन्हें जल्दी आग पकड़ ली। सून जल्दी ही, सून जल्दी द फ्लेम्स मिस होता आग की लपटें, वर शूटिंग अवार्ड, बहुत तेज़ी से आग की लपटें उसमें बढ़ने लगी। एंड स्मोक, और धुआं, वॉज राइजिंग, उठने लगा
राइजिंग मतलब ऊपर जाने लगा, इन द कॉलम इन द ग्रेट कॉलम बहुत ही बड़ी मात्रा में, टू ज्वाइन द क्लाउड्स इन द स्काई, बादल को ज्वाइन करने के लिए, बादलों को मिलने के लिए। बहुत जल्दी क्या हुआ, आग की लपटें उस अनाज में उड़ने लगी और उसका धुआं बादलों में मिलने के लिए आसमान में जाने लगा। यून तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इट्स इनफ, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एवरी हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड रिवाइज दिस। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।